सो मच मैम, यू हैव गिवन अस टाइम स्पीकिंग टू अस. पिछले कई दिनों से आप ने बात की मीडिया से, थोड़ा कुछ बताना चाहिए क्या हुआ मैम? यू आर वेरी, आपने लाइव भी किया था पिछले एक साल से, एंड यू आर वेरी, मतलब आप काफ़ी इमोशनल रही, क्या हुआ, थोड़ा कुछ आप बताइए. एक्चुअली एक साल से जो भी चीज़ें हुई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है. तब भी मैं शांत हैं, जितने दर्शकगण थे या आप मीडिया के लोग थे या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, सब कोई सब कुछ जानते थे. बट इधर कुछ दिनों से काम को लेके प्रॉब्लम हुई. कई बार इंडस्ट्री से लोग आउट करना चाहे, उसके बाद और भी कहीं मैं उनके अलावा जो फिल्में कर रही थी उन सब जगह भी जाके स्पेशली मुझे हटाया गया. बट फिर भी मैं ओपन अप नहीं हुई. मैं ऐसे ही टाइम पेशेंस के साथ टाइम दे रही थी अपने काम को, और डेडिकेशन उधर ही दिखा रही थी. मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब फालतूगिरी में कुछ इन्वॉल्व रहूं. तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रही. बिकॉज मैं किसी के इमेज को डाउन नहीं करना चाह रही थी पब्लिकली, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं खुद भी लड़की हूँ और एक एक्ट्रेस हूँ. सो इन सब चीज़ों के कारण मैं चुप थी. बट अब चीज़ें एकदम सर के ऊपर से जा रही थी, जो कि लिमिट, सारी लिमिट क्रॉस कर दी उन्होंने. और अब ऐसा हो गया कि कहीं से बस नहीं चला, तो अब मेरे गाने, जब मैं कुछ एक साल से मैं गाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे शोज़ कर रही थी, गाने के अच्छे व्यूज़ होने लगे थे और लोग पसंद कर रहे थे. अब क्या हो रहा था कि जिस कंपनी में उनके गाने जा रहे हैं या मेरे गाने रिलीज़ हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता था मेरे व्यूज़ उनसे ज़्यादा हो रहे थे. तो अब वो म्यूज़िक पे रोक लगाने लगे, चैनल्स को कॉल करने लगे पर्सनली, मेरे गाने रुकवाने लगे कि नहीं, इसका गाना मत लीजिए, नहीं तो मैं फिल्म नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह कुछ कुछ धमकियां देने लगे. जिसकी वजह से कंपनीज़ ने बातें छुपती नहीं हैं. कंपनीज़ वाले क्लियरली तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे इन चीज़ों को खोला. और उनके सो कॉल्ड जो चमचे हैं, वो चमचे हर ऑफिसेज में जा के मेरे गाने रुकवाने का काम करते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंटल हैरेस करना हुआ, जो कि सही नहीं है. तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंटली की जा रही थी, तो मुझे रहा नहीं गया. और मैंने मीडिया ने जब सवाल किया मेरे से, तो मैंने स्पष्ट रूप से मैंने सारी चीज़ों को खोल दिया. बिकॉज़ मैं लड़की हूँ तो मैं कितने दिन तक दब के रहूँगी और क्यों रहूँगी? कोई मेरा खर्च तो चलाता नहीं है, ना कोई जीवन चला रहा है. बनाने बिगाड़ने वाले भगवान हैं, कोई इंसान नहीं है. सो इसलिए मैं ओपन हूँ. जब से पवन सिंह की शादी हुई है, हाँ, उसके बाद से ये सभी प्रॉब्लम हो रहे हैं. मतलब क्या, मतलब हाँ, क्या कारण है? मतलब आप कुछ उसके बारे में थोड़ा बताइए. मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया? क्योंकि यू आर द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड आप लोग थे उस समय, आप लोग हमेशा हर पार्टी में दिखते थे. मतलब क्या हो गया ऐसा कि वो समय? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी की शादी हो गई है तो मैं अपना स्वार्थ देखते हुए मैं किसी के साथ नहीं रह सकती. ये मैं खुद भी बिहार की लड़की हूँ, और मेरे लिए हमारी सभ्यता बहुत ही अलग होती है. जब मैंने देखा कि किसी और की शादी हो गई और कोई लड़की आई, वो भी किसी की बेटी है, तो मैंने बैक स्टेप लिया, जो कि उनको मंजूर नहीं था, उनको गवारा नहीं था. उनको चाहिए था कि मैं ज़बरदस्ती उनके पास रहूं, जो कि मुझे रहना नहीं था. जिसकी वजह से उनको ये, उनके मर्दानगी पे बात आ गई कि ये क्यों नहीं रह रही है, और अब अगर नहीं रह रही है तो इसका इंडस्ट्री में जीना मुहाल कर दिया जाए, इसको इंडस्ट्री से आउट कर दिया जाए, इसको फिल्म से निकाला जाए. और अब फिल्म से भी बस नहीं चल रहा है, तो एक साल होने के बावजूद भी जनाब मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, और अब गाने पे रोक लगा रहे हैं. और जब गाने पे रोक लगाने लगे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं, इसलिए मैं सामने बोल रही हूँ.
मैम, जैसे कि मैं आपसे एक दो तीन सवाल ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि शादी के बाद आप नहीं रहना चाहते हैं साथ में, मतलब उन्होंने उनकी मर्दांगी आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो आर यू इन रिलेशनशिप बिफोर विथ हिम? Everybody knows that. मतलब आप अभी मतलब कंफर्म कर रहे हैं आप थे रिलेशनशिप में? Yes, of course. Everybody knows that. हम साथ में काम करते थे. And you are मतलब आप डेट कर रहे थे, मतलब आप दोनों डेट कर रहे थे? Yeah, we were together. Together. Yes. तो बाद में क्या हुआ, मतलब why he मतलब reject, मतलब वो शादी क्यों नहीं किया, मतलब everyone बात know, करके कोई मतलब नहीं है, because वो पिछली बातें हो गई। उसको अगर मैं बोलूंगी तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। मैं उस पर जाना नहीं चाहती, बिकॉज मैं कल भी नहीं जा रही थी उन चीज़ों पे। जो भी पिछली बातें हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं, वो उजागर थी। मेरी लाइफ किसी से छुपी नहीं रही, मैंने जो भी किया वो ओपन अप, आई मीन कुछ भी सीक्रेटली नहीं किया, सबको सब कुछ पता है। और मैं उन बातों को सामने लाना भी नहीं चाहती हूँ, ना मैं उस चीज़ को जलील करना चाहती हूँ। बट हाँ, अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही अलग चल रही हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है अब, तो अब मैं चुप नहीं रह सकती। आफ्टर मैरिज आपने कहा कि आई विल, मैं आप अपनी लाइफ से आगे बढ़ना चाहती थी, आपने मतलब यू आर टेकिंग अ वेरी गुड डिसीजन, मतलब हाँ मतलब मेरे को नहीं रहना है, मतलब हाँ। बट पवन सिंह ऑलवेज ट्राई टू, मतलब आपको इंटीमेट कर रहे हैं, आपको मतलब परेशान कर रहे हैं, आप ये परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इतना समय हो गया, लेकिन अभी अभी परेशान करने का कोई तुक नहीं बनता है। चूंकि आप भगवान नहीं हैं, आप इंडस्ट्री के भगवान नहीं हैं कि आप जब चाहे किसी को बना दीजिएगा और आप जब चाहे किसी को बर्बाद कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ये एक साल से मतलब ये सब चल रहा परेशान करने का पवन सिंह आपको? एक साल से चल रहा है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। अब जब जैसा कि आप उस दिन पूजा लहरे चैनल से बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने सवाल किया, तो मुझे झूठ नहीं बोलना था, मैंने जो बोला वो सच बोला। और मैं वो नाटक क्यों करूं जो मैं झेल रही हूं, एक इंसान होने के बावजूद एक लड़की हूं तो मैं बोलूंगी ना, मैं भी इंसान हूं ना, मैं तो बोलूंगी, नहीं बोलूंगी तो जाऊंगी कहां। ओके, काफ़ी आप इमोशनल भी रहे हाल ही में, तो आप गुजरात में भी गए थे और उस टाइम में भी शूट कर रहे थे पवन सिंह, तो आपके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, इस तरह की खबर भी आई थी उस समय, तो वो खबर आप क्या करना चाहेंगे उसको, उस पर आप क्या करना, आपको वो हमेशा हाथ भी उठा, इंडस्ट्री के सब जानते हैं कि वो हाथ उठाते हैं आपके ऊपर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उठाते हैं नहीं, अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो जो समय था वो लेकिन बट ही मतलब सब जानते हैं, इंडस्ट्री के भी लोग जानते हैं कि वो दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, और वो टाइम पे चीज़ें हुई थी। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे किसी को जलील नहीं करना था, उनका इमेज जो था वो मैं गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं साइलेंटली अलग हो गई, उन चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया, अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया और काम से जवाब देने लगी। लेकिन उसके बावजूद वो परेशान करते रहे आपको? हाँ, गुजरात में भी आपको परेशान किया? वहाँ पे तो तमाशा कर दिया था। क्या हुआ था थोड़ा कुछ बता दीजिए, क्या हुआ था वो भी आप लोगों को पता है वो? लेकिन अनरिकॉर्डेड है वो, और उसके बाद आपने कुछ बोला नहीं, उसके बाद आप साइलेंट रही, उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया था, आपके गाने आने शुरू हो गए थे, आप काम करना शुरू हो गया था, तो आप वो बताइए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जैसी बड़ी एक्ट्रेस अगर आप नहीं बोलेंगे तो मेरे को भी मालूम है कि मैं भी भोजपुरी कवर करता हूँ, छोटे छोटे एक्ट्रेस को काफ़ी परेशानी होती है, ऐसे लोगों के होती है बहुत सी एक्ट्रेसेस से मुझे ये भी पता चला है कि वो ओपनली उन लोगों को फोर्स करते हैं कि तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिल्म इंडस्ट्री में आई क्यों, ये बोलने का क्या तुक बनता है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कास्टिंग काउच होता है भोजपुरी में? कास्टिंग काउच नहीं होता है, लेकिन ऐसे टाइप के एक्टर ज़रूर करते हैं, हाँ ऐसे लोग करते हैं, कुछ लड़कियां भी कम नहीं हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, जो नहीं बर्दाश्त करती हैं उनको आउट कर दिया जाता है, कितनी सुसाइड कर लेती हैं, कितनी रातों रात इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाती हैं। तो जो जरा सिलवासा का बताइए, पवन सिंह ने आपके साथ मतलब मारपीट की थी, क्या की थी? वो ऐसा हो गया थे और हाँ। वो बाहर निकल के ना गाली गलौज कर रहे थे इधर उधर किसी किसी को,
तब मैंने उनको सिर्फ बोला था कि कमरे के अंदर बंद हो जाइए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना ही बोला था। तो इतने ज़्यादा नशे में टुल थे कि उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट किया तो होटल के जितने लोग थे सब भाग के आ गए और रातों रात ये न्यूज़ बाहर लीक हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। तो आपको हाथ मारा था उन्होंने? आप छोड़ो, आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा आपके को कि आप डेट एक उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने अपना अच्छे से काम कर रहे थे, आपके गाने आ रहे थे, फिल्म भी में भी हमने आपको देखा। हाँ। तो उसके बावजूद मतलब यू आपने लगा ठीक है ख़त्म, तो उसके बावजूद ही मतलब वो आपको परेशान करते रहे? मैं वही तो अभी आपको कह रही हूँ कि चीज़ें मैं मूव ऑन कर चुकी, मैं काम करने लगी, मैं फिल्में करने लगी, मैं शोज़ करने लगी। अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं पिछले 1.5-2 महीने में कंपनीज़ पे मेरे गाने पे रोक लगाया जा रहा है कि मेरा गाना रिलीज़ ना हो। ये क्या तुक बनता है? अगर आपको हेल्दी कंपटीशन करना है, सबसे पहले तो आप मर्द हैं, मर्द हो के आप एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, हैं? एक लड़की से आपको कंपटीशन हो रहा है जबकि आप जान रहे हैं कि आपका ओहदा बहुत बड़ा है, तो आप मेरे तक गिर रहे हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्री के लोगों से आपने कभी बात की कि जैसे कि ये रुकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इंडस्ट्री के लोगों से क्या बात करूं? नहीं, मतलब जो बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे कि एक बहुत बड़े एक्टर है रवि किशन, क्या आपने कभी इनसे नहीं बात की? मैं अपनी लड़ाई शुरू से खुद की हूँ। मैं इंडस्ट्री में अकेली आई हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडस्ट्री में किसी को बोलने क्यों जाऊँगी, मैं क्यों किसी से भीख मांगूंगी। मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मैं काम करने आई हूँ, मैं अच्छे से काम करूँगी। ओके, और एक और जैसे कि मैंने आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि कभी उन्होंने आपको कॉल किया आफ्टर दैट, मतलब ये इंसिडेंट के बाद? नहीं, हमारी कोई बात कोई बातचीत नहीं, नहीं। जी नहीं, लेकिन ये चला इंटरनली सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, कैंपेन चल रहा है इंटरनली कर रहे हैं और लोगों के सामने ऐसा प्रटेंड करेंगे कि ही इज़ वेरी स्वीट और बहुत सीधे साधे और सच्चे और बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, और अंदर से क्या है वो इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की, मतलब आपको मतलब जिस तरह से पता चल रहा है हर जगह? मैं क्यों बात करूँ, मतलब ये आप ये क्यों कर रहे हैं, वी आर मूविंग आउट, व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी? मैं देखिए, जब चीज़ें इस तरीके की होने लगी तो सबसे पहले तो मैं उनको भगवान नहीं मानती हूँ कि मैं उनके पास जाके गिड़गिड़ाऊंगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे करेंगे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं आपको वो लेवल पे नहीं देखती हूँ कि मैं आपसे कुछ बात करूँगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी, मैं काम से जवाब देना चाह रही थी, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ अपने काम के लिए। मैं तो किसी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो मैं इंडस्ट्री में कहीं किसी से कोई लेना देना है। मैं अपना काम करती हूँ और काम के ज़रिए प्रूव करती हूँ। तो मैम, कहीं कभी ऐसा हुआ कोई आपके पास स्क्रिप्ट आई, फिल्म की स्क्रिप्ट आई, कोई फिल्म डायरेक्टर ने आपको सुनाई और उसके बाद पता चला होगा और उसके बाद फ़ोन आया कि हम नहीं कर सकते, ये गेट द प्रेशर? ये शुरुआत में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, हुई है हाँ, वो भी मीडिया वाले सब जानते हैं। और जब मैं कहीं और काम करने जा रही थी, कई बार एक्टर्स को भी प्रेशर दिया गया कि भाई इसके साथ काम नहीं करो, जबकि एक दूसरे को लोग गाली देते हैं, लेकिन फिर भी मेरी वजह से दोनों एक हो गए और उनके पैर पे जाके गिर गए और बोले कि भाई इसके साथ फिल्म मत करना। तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं ये आप जो बात कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा एक बड़ा एक्टर है भोजपुरी का, आप उनकी जो बात कर रहे हैं मतलब सारे एक्टर्स जानते हैं, किसी से ये बातें छिपी नहीं है, सब कोई सब कुछ जानते हैं। तो वो एक्टर भी डिफेम करने की कोशिश कर रहा है आपको? नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मैं मेरे साथ जो हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मेरे गाने पे प्रेशर लगाया जा रहा है और काम पे तो कर ही रहे थे लोग, फिल्में कर ही रही हूँ, मुझे इन लोगों के साथ अब इतना नाम हो ही चुका है कि मुझे इससे ज़्यादा बहुत बड़ा नाम नहीं बनाना है, मुझे काम करना है, दैट्स इट, और कोई मोटो नहीं है मेरे लाइफ का, और काम से प्रूव करना है जो भी है।
इंडस्ट्री की तरफ से कोई सपोर्ट आया है? क्योंकि ऐसे वक्त में सभी जो एक्ट्रेस को हर कोई छोड़ देता है। हमने हर जगह देखा है कि बड़े स्टार को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन एक्ट्रेस को सपोर्ट नहीं करता। आपको कोई सपोर्ट सी आया जो है? जैसा करेगा उसको भोगना तो है, यहीं पे भोगना है। व्हाट, एक कहावत है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो आप जो करेंगे वो आपको यहीं भोगना है, लेकिन ज़्यादा आप अत कर देंगे तो आप कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा ना, कोई तो अपना मुंह खोलेगा। मैं इसलिए, मेरा कारण ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई हूँ इसलिए मैं उस दिन सारी सच्चाई बोल दी। मैं इसलिए भी ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आज मेरा नाम जितना है, लोग जानते हैं कि अक्षरा सिंह कौन है। ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी कलाकार होने के नाते भी जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो कल को इंडस्ट्री में आते हैं, मेरे बाद कोई लड़की आती है और उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, तो गलत होगा। क्योंकि कितनी लड़कियां चुप्पी थाम के अपने जीवन को त्याग दी हैं। कई बार ऐसा होता है कि इज्जत के कारण डर से भाग जाती हैं इंडस्ट्री छोड़ के, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्पिरेशन मानते हैं उनके लिए मैं एक जरिया बन सकती हूँ। लोगों को ऐसी सीख मिल सकती है, जो लड़कियाँ नई नई आती हैं वो ऐसे लोग से सावधान हो जाएं। इसलिए मैं ओपन अप हुई हूँ और दैट्स इट, यही मोटो है। आपको लगता है दबंगी ही चल रही है इंडस्ट्री में? मतलब चलती है, सालों से चलती आ रही है, मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। तो इसे आप मतलब अभी आप ब्रेक कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम? क्योंकि मैंने कई सारे एक्ट्रेस से भी बात की इस पर, मैंने पूछा भी तो हाँ, लोग सब चुप चुप रहना। चुप रहती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा, उनको इंडस्ट्री से आउट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो झेलती हैं। तो ऐसे स्टार जो पी के कुछ भी करने पे उतारू हो जाते हैं, वो कराती हैं, करती हैं। हमने ऐसा भी सुना है कि मैम आप जब आप थे साथ में तब आप उनको एयरपोर्ट में हमेशा संभालती थी, बहुत कुछ मैं, आपने। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया हाँ कि वही प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप, वो कहते हैं कि आप उनके जितने वीडियोस वायरल होते हैं हाल में, चड्डी में, शॉर्ट्स में, कुछ उनका वीडियो वायरल हो गया था जो दारू पी के नाच रहे थे वो अपने पिता के मरने के बाद, सो वो टाइम के वीडियोस वायरल हो गए, तो वो, उनका कहना है कि वो मैंने किया। तो मैंने जवाब दिया था कि अगर मुझे आपके साथ गलत करना रहता तो आप जब पी के लेट जाते थे ना एयरपोर्ट पे, ये भी लोग देखे हैं, आज एयरपोर्ट पे भी लोग मुझे पहचानते हैं कि भाई यही लड़की थी जो पवन सिंह को टांगती थी, तो मैं तब आपको, अगर आपका इमेज गिराना चाहती तो मैं तब आपको छोड़ के भाग जाती ना, तभी आपको जलील कर दी होती। पर मैं हर जगह आपको संभालती थी क्योंकि आपका इमेज ना खराब हो जाए। आप पी के नशे में धुत रहते थे, आपको पता नहीं रहता था कि आप हैं कहाँ। तो और वो एक इंसिडेंट भी मेरे को याद आ रहा है, जब आप सभी इंडस्ट्री के लोग एक बार सब लोग बाहर जा रहे थे, एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे और काफ़ी दूत हुए थे और पवन सिंह थे वो शक, असली शक आप थे। उन्होंने एयर हॉस्टेस से भी बदसलूकी की थी उस समय, वो भी ये आपको कैसे पता, कैसे पता आपको ये तो हमें अभी पता चला है, मतलब ये। पता चला है ना। हाँ तो जब आप एक मीडिया के आदमी हो के आपको ये चीज़ें पता है, तो ये बात किसको किसको पता होगी, आप बताइए। आपको तो, आप तो उनके करीब ही नहीं है, फिर भी आप तक ये बात है कि वो एयर हॉस्टेस से बदसलूकी करते थे, या वो पीते थे, या हम साथ में हम लोग सब कोई जाते थे तो वो तमाशा करते थे। दैट मीन्स यू ऑल्सो नोज दिस। सो मतलब ये हुआ था, मतलब आप भी थे उस समय जी और हाँ, ये सच्चाई है। जब आपको ये बात पता है तो मुझे तो पता ही होगा ना, मैं तो वहीं थी। आप मतलब उस समय आप कॉन्स्टेंट के लिए जा रहे बिल्कुल, वो थे। बदतमीजी करते थे वो दारू पीने के बाद। कई बार तो मैंने बचाया है सिक्योरिटी, एयर हॉस्टेस से बदतमीजी, कभी उसका पैर दबा दें, कभी जांघ दबा दें। तो वैसे में क्या होता था, उनके अपने लोग छोड़ के उनको भाग जाते थे, पहचानते नहीं थे, तब मैं संभालती थी।
क्योंकि मैं उनको जानती थी, और अगर मैं आपके साथ हूँ तो जाहिर सी बात है मैं आपका आपको प्रोटेक्ट करूँगी, आपको बचाऊँगी, तो मैं बचाती थी। कई बार ऐसा हुआ है कि नेवी वाले आए हैं और सिक्योरिटी के साथ उनको उठा के फेंकने के लिए, तब मैं खड़ी हुई हूँ कि नहीं मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। तो जब नशे से निकल जाते थे तो आप उनको कभी नहीं इस तरह का हरकतें आपने की? और वो जो एयर हॉस्टेस का जो मामला था, उन्होंने काफ़ी उस टाइम भी बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन वो दिनेश जी के नाम पे फूटा था वो दिनेश जी बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में दिनेश जी जैसा एक्टर कोई नहीं है। वो उन्होंने अपने ही इल्ज़ाम ले लिया था उस टाइम, ये नहीं इल्ज़ाम उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लिया होगा, वो वो उन्होंने बहुत सीधे साइलेंस हो गए सादे थे। हैं, वो शांत रहते हैं, वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। ये सब इतना कुछ हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का होता है, तो क्या आप माँ बाप के सपोर्ट की वजह से आज आप इतना बोल पा रही हैं? क्योंकि हम फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली वो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए स्तंभ हैं, और मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का सह दिया हुआ है कि भाई तुम लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर के पड़ी रहो और लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों से तुम डरो और अपना जीवन त्याग दो या तुम सुसाइड कर लो, ऐसा मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया कि लड़की हो तो फाइट करो, अपनी ज़िंदगी जीने आई हो, क्या लड़का क्या लड़की। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।